ये बताते चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम उतारफ तक कराई गई, लेकिन अब हुकूमत और भी राशन कार्ड के मामले पर नए कानूनों का इतलाक कर रही है और श्रम कानून को इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा बताएंगे आसिफ रशीद आपको। बिल्कुल, राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक और इकदाम हुकूमत करने जा रही है, जहां पर राशन कार्ड में तब्दीलियां बड़े पैमाने पर बीपीएल और एपीएल के जुमरे में आने वाले लोगों के लिए देखी गई। वहीं राशन कार्ड से ई श्रम कार्ड को जोड़ने की भी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। चूंकि मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आम तौर पर उन सभी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर काम करने जाते हैं या मुहाजिर मजदूर हैं, पहले ये था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें खुराक तो पहुंचाई जाती थी, दी जाती थी, जिस जगह वो जाते थे अपना घर बार छोड़कर वहां पर भी उन्हें राशन मिलता था। लेकिन अब जाकर जो ई श्रम कार्ड है, इससे पहले आप देखते थे कि आधार कार्ड जो है वो बेशतर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे हुआ करते हैं या हैं जिनके साथ इसको जोड़ दिया जाता था, लेकिन ई श्रम कार्ड जोड़ने का मतलब ये हुआ कि नए कवायद होंगे, नई गाइडलाइंस होगी, जहां रूल्स फ्रेम करने की बात हो रही है कि राशन कार्ड सभी उन लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए या राशन जो सरकार की तरफ से कम कीमतों पर या मुफ्त मिलता है वो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचना चाहिए। वहीं अब सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए आने वाले वक्त में वन नेशन वन राशन कार्ड की इसी थ्योरी के तहत इसी पर मजीद काम करते हुए सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड को भी अहमियत दी गई है। ये वो ई श्रम कार्ड है जिसे सिर्फ 3 से 3.5 महीने अभी तक हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की बाकी रियासतों के अंदर भी बन रहा है, आज के वक्त में तैयार हो रहा है, और आइंदा जब भी आप राशन लेंगे तो आप देखेंगे कि इसको उतना ही ज़रूरी करार दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से ये वजाहत की जा रही है कि आने वाले दिनों में राशन कार्ड के साथ जैसे आधार कार्ड जोड़ा गया था या पहले स्टेट सब्जेक्ट को जोड़कर देखा जाता था, उसी तरीके से अब जाकर उन अहम डॉक्यूमेंट्स में से दस्तावेजात में से एक ई श्रम कार्ड भी होगा, जिसके बिना शायद राशन कार्ड मुस्तकबिल में लेना नामुमकिन होगा। और राशन सरकार का यह भी मानना कि श्रम के पास जो वजारत मेहनत है उनके पास एक डिटेल है, ये जो इकोनॉमिकली अनसाउंड लोग हैं जिनके पास उतनी माली मामलत नहीं होती है और रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज काम वो करते रहते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं है और वो मुस्तहिक होते हैं कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की उन स्कीमों के जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। यहाँ पर जो हम तकसीम कारी करते हैं, चाहे गेहूँ की करें, चाहे चावल की करें, चाहे चीनी की करें, तो वो उन गरीब और मोहताज लोगों तक पहुंचे जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो ओपन मार्केट में जाकर खरीदे, इसलिए ये पहल जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि कल भी हमने आपको बताया था प्रोग्राम में कि मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हो रही है, बीपीएल की सर्वे दोबारा हो रही है, दीगर चीज़ें हो रही है, और यहाँ पर सरकार का ये मानना है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे जी ई श्रम पोर्टल को वन नेशन वन कार्ड से, उससे क्या होगा कि हमारे पीडीएस दुकानों पर यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो दुकानें हैं, जो जहां पर हम कलेक्शन जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां पर आसानी होगी उस डाटे को देखने की जो डाटा सरकार के पास होगा, यानी ई श्रम उनके पास ऑलरेडी होगा डाटा, और उससे वो जो बीपीएल फैमिलियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद होगी और उन्हें सरकार की मुराद देने में भी मदद मिली। यानी आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता करके जो सरकारी चावल मिलता था गोडाउनों से या सरकारी चावल पब्लिक आउटलेट से मिलता था पीडीएस सिस्टम के जरिए से, शायद वो सब लोगों को अब ना मिले, और इसमें सरकार बाज़ाब्ता तौर पर एक क्राइटेरिया बनाएगी कि बीपीएल और एपीएल को कैसे दिया जाए और एपीएल को किस पैसे पर दिया जाए और बीपीएल को किस पैसे पर दिया जाए, इसमें मजीद वजाहत जो आने वाले दिनों में होगी। लेकिन फिलहाल ई श्रम पोर्टल को एक साथ लेने की बात पीडीएस सिस्टम में की जा रही है।